नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा तो अपनी कुछ यादें हैं, पुरानी क्लिप्स ढेर सारी जिनको जोड़ा, और वो सारी पावर लिफ्टिंग के रिलेटेड, अपनी कंपटीशन कह सकते हैं आप, कॉम्पिटिशन्स की जर्नी जो भी रही आज तक की, वो सारी एक छोटे से हाइलाइट्स के साथ। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें क्यों दिखाई आपको, तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं लाइफ टर्न हो चुके हैं, चेंज हो चुकी है पावर लिफ्टिंग से या गेम से कह सकते हैं। एक एज एथलीट होने के नाते गेम से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो जो कि अभी भी बरकरार है। तो अपनी जर्नी पावर लिफ्टिंग की आप कह लें, 2018 में पहला कॉम्पिटिशन खेला था, छोटा कंपटीशन कह सकते हैं आप, स्टेट जहाँ से सबकी शुरुआत होती है, डिस्ट्रिक्ट कह लें या स्टेट कह लें या कुछ भी छोटा मोटा। तो करते करते 2022 में हमने नेशनल खेला है, लास्ट ईयर बैक टू बैक दोनों खेले, क्योंकि 21 में लॉकडाउन वाला भी 2022 में हुआ था और 22 का भी 22 में हुआ था। तो वो जर्नी थी अपनी। तो उसके बाद 2022 में ही हम एंडिंग में दिसंबर में अब कैनेडा आ चुके हैं एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ वर्क लाइफ सारा कुछ मैनेज करके, तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत लकी रहे, आके पर्सनल ट्रेनर की जॉब मिल गई तो टच में रहे। तो अदरवाइज़ अगर कोई और भी जॉब होती तो अपना इतना है कि भाई गेम करनी है, गेम से प्यार है, उसमें कोई बहानेबाजी नहीं है। जैसे तैसे करके टाइम निकालते हैं, वीक में 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, कैसे भी करते हैं, दैट डजंट मैटर, कुछ भी करते बट करते, क्योंकि जो चीज़ शुरू की है उसमें कुछ ना कुछ करेंगे ही ज़रूर। तो अब यहाँ पे आने के बाद सेटल डाउन होने में ऑलमोस्ट 2-3 महीने लग गए। तो अब आगे का प्रोसीजर क्या है, या आप कह सकते हैं आगे का अपना क्या गोल है। तो हमने एक कंपटीशन में एनरोल किया है। यहाँ का कंपटीशन थोड़े अलग रहते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करने लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, तो प्रोविजनल वगैरह बहुत कुछ होता है। तो हमने कुछ जस्ट, आप कहते हैं ना कि गेम के टच में रहना ज़रूरी है, तो जस्ट गेम के टच में रहने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में रहेगा आपने कम्पीट करना है तो आप करेंगे। अगर मैं सोचूंगा मैंने 2 साल बाद इंडिया जाके कम्पीट करना है, तो 2 साल में बीच में कुछ करना होगा मैं चीट कर लूँगा, या कहीं जाना होगा अपनी ट्रेनिंग मिस कर दूँगा, कुछ भी चलता रहेगा। तो जब आपको बीच में आपके पास छोटे छोटे गोल्स रहेंगे कब आपने कंप्लीट करना, अब जैसे मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था, उसके बाद अब कंप्लीट करेंगे फिर से, तो एक वीडियो में अनाउंसमेंट की थी, बट अगर आपने ध्यान से सुनी होगी बीच में छोटी सी क्लिप थी, तो इस वीडियो के थ्रू बता देते हैं। तो फिर से स्टेज पे आने वाले हैं विद इन 12 वीक्स, दोबारा से एक स्टेज परफॉर्मेंस होगी। इवन अभी चेस्ट का थोड़ा इशू चल रहा है, बट कोशिश करेंगे बहुत जल्दी उसको सॉल्व करते रहेंगे, रिहैब चल रहा है, पहले से बेटर है। तो लास्ट ईयर मेरा टोटल रहा था, जैसे कि स्क्वाट था 205, बेंच थी 125 एंड डेडलिफ्ट थी 250। तो इस साल मेरी कोशिश रहेगी कि 20 से 30 केजी अपना टोटल अप हो, और पहली लिफ्ट जहां पे हमने ख़त्म किया था वहां से शुरू करें, तो ये मेरा टारगेट है। तो ये थोड़ी सी जो जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और मेरी आप सभी से ये सलाह कहते हैं, आप सभी को सजेशन है, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं बैठे रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे बट कम्पीट नहीं करेंगे। किस चीज़ में, कंपटीशन में, कि ये सोच के कि वो सीधे एक ही बार ऐसा कहते हैं दमदार परफॉर्मेंस देंगे कि सबको हिला देंगे, तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। आप सोचेंगे अगर पिछले साल का टोटल लेके माइंड में चलेंगे कि उसने इतना लगाया था मैं उतना लगाऊंगा तभी स्टेज पे जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। आप अगर तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी उतना टोटल लगा के रखा है जिसने लास्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर कोई इंक्रीमेंट लेके ही आएगा और वेट लगा के ही आएगा, तो ये सोच के कभी ना खेलें। स्टेज पे लिफ्ट जो लगती हैं वो स्टेज की हैं, जो आप घर पे जिम में लगाते हैं वो अलग हैं। तो अपने इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पिछले 5-6 महीने में, मौसम चेंज हुआ, लोग चेंज हुए हैं, जिम करने का तरीका चेंज हुआ, वर्कआउट करने का ट्रेनिंग सेंटर चेंज हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इवन अपना वेट्स चेंज हुए हैं, तो काफ़ी कुछ है। तो जस्ट वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते थे कि बहुत जल्दी स्टेज पे देखने को मिलेंगे। तो आज अपनी तैयारी शुरू कर दी ऑलरेडी कुछ काफ़ी दिनों से, तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है अपने हिसाब से। तो कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की, यहाँ पे
कौन लिफ्टर्स हैं, कितने हैं, कैसे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। हमने जैसे अपना काम करना, अपना बेस्ट देना। लास्ट ईयर्स की लिफ्ट जहाँ पे ख़त्म की थी वहाँ से अपनी लिफ्ट स्टार्ट करनी है। बेंच पे अभी थोड़ा डाउट है, बट नो स्क्वाट और डेड लिफ्ट की कोशिश ये रहेगी। 205 अपनी पहली लिफ्ट रहे, डेड की 250 अपनी पहली लिफ्ट ले, उसके बाद की बाकी चीज़ें करेंगे। कितना ऊपर जाएंगे वो देखेंगे। तो बस यही था बाकी आज का अंदर। आज डेड लिफ्ट सेशन है, वो आप लोगों के साथ दिखाते हैं आज का सेशन क्या चलेगा। तो बाकी नेक पे आपको माइक देखने को मिल रहा होगा, तो ये मत सोचिएगा कि अपना बजट बढ़ चुका है, बजट अभी भी लो है। ये जिम से अभी उधारी पे माइक मांगा है, क्योंकि बाहर बैठ के सोच रहा था कि वीडियो शूट करूँगा, तो यहाँ बैठा था भाई रोड के किनारे सड़क के, ये बेहतरीन व्यू के साथ, तो माइक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उधारी पे माइक है, कोई अपना बजट नहीं बढ़ा अभी। तो अंदर चलते हैं आज, जैसे कि डेड लिफ्ट सेशन है अपना, तो डेड लिफ्ट में आज पॉज डेड लिफ्ट है। कैसे कैसे अपनी तैयारी चलती रही, तो कोशिश करूँगा वीकली एक या दो वीडियो डिलीवर हो जाए, एक भी हो जाए वो भी काफ़ी है। तो कंपटीशन का आपको पूरा दिखाएंगे यहाँ पे कनाडा में किस हिसाब से, या वो तो अभी आपको थोड़ी अगली वीडियो में पता चलेगा कंपटीशन कैसा होता है। बट अपनी जो प्रेप है हम कैसे करते हैं, क्या बीच में शेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें खाते हैं और रिकवरी के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें दिखाएंगे शेयर करेंगे। शाम को आज, कल मेरी ऑफ होता है तो आज काफ़ी टाइम होता है अपने साथ। तो वीक में कुछ चीज़ें जो मैं वीकली एक बार करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बॉडी कैसे अच्छे से रिकवर करें। तो चलिए, तो अभी वार्म अप करके रेडी हो चुके हैं और बोतल खुल चुकी है, तो गेट रेड। तो ये भी एक एनर्जी सोर्स है प्री वर्कआउट, और इसमें यही फर्क है, प्री वर्कआउट आपका कैफीन एनर्जी है, तो इसमें आप जैसे काफ़ी लोगों को देखा होगा आपने ग्लूकोज पीते हैं वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के दौरान, ग्लूकोज और क्रिएटिन मिक्स करके, तो बेसिकली इसमें भी ग्लूकोज ही होता है, मेन्स कार्ब्स, तो वही है। तो आज का सेशन डेडलिफ्ट अभी पॉज डेडलिफ्ट है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो 200 केजी से भाई लोग आज का पॉज डेडलिफ्ट का टारगेट है। रेप्स कितनी लगेंगी उसके लिए आपको वीडियो भी देखनी पड़ेगी पूरी। दोबारा से जब वापसी करनी है स्टेज के लिए तो लिफ्ट थोड़ी बड़ी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो फटाफट से, मुझे आदत नहीं है अपना वर्कआउट करते ज़्यादा बातचीत करने में, मेनली जो अपनी मेन लिफ्ट रहती है जैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट, बेंच, इनके दौरान बात करना थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ। देने सफरी के टाइम आप लोगों से कर लेंगे बातचीत, बट इसके टाइम तो इसी में रहें और लिफ्ट बेहतर रहे जो कि अपना काम है। तो वार्म अप हो चुका है, डन, ऑल डन, ऑल सेट। तो 60 केजी से शुरू करेंगे, शुरू करते हैं। Student of the game, I study every single frame. I don't just listen, man, I change and grow a little every day. I got this hunger deep inside of me, I got this need, it keeps on guiding me. I got this energy providing me, it's all I need to overcome all my anxiety. One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously. Work so hard, my hands are blistering, and they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drums. Stand up, rocked and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain. I am here to make a change. Whoa. Whoa, 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 whoa.
fucking glory, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain. I am here to make a change. Whoa. Student of the game, I study every single frame. I don't just listen, man, I change and grow a little every day. I got this hunger deep inside of me. I got this need that keeps on guiding me. I got this energy providing me. It's all I need to overcome all my anxiety. One day I will have my victory. Crush all my enemies so viciously. Work so hard, my hands are blistering. And they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drums. Stand up, rock and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain. I am here to make a change. Whoa. तो जिम से घर वापस आ चुके हैं और अभी चल रहा अपना प्रोटीन पी लें ज़रा। तो जैसे कि 200 की पॉज 4 रेप लगी तो उस लेवल की एनर्जी नहीं थी क्योंकि कल ही अपना स्क्वाड का सेशन था और उसकी सोरनेस ज़बरदस्त तरीके से अभी तक थी। तो वैसे भी हमने थोड़ा मींस आपका जैसे जो आरपी के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं उन्हें पता होगा तो आरपी कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा आई, कम आनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। उसके बाद ड्रॉप डाउन हमने लगाया 180 से 5 रेप। तो कमिंग वीक्स में थोड़ी पीक पे जाएंगे ऊपर। क्या हो गया भाई? तो कमिंग वीक्स में पीक पे जाएंगे थोड़ा ऊपर। तो जैसे कि इस कप पे लिखा हुआ है नेवर गिव अप, तो वही चल रहा अपना। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे क्या चलता है। तो कल जैसे कि कल अपनी छुट्टी मैंने आपको बताया था, कल कॉलेज आना, तो दिन दोपहर में कॉलेज होता अपना, 12 बजे घर से निकलते हैं, तो सुबह लेट उठने का अपने पास चांस होता है। तो अभी जो कि मैं वीकली एक बार करता हूँ, हॉट बाथ मींस गर्म पानी में टब के अंदर बैठ जाओ। पर यहाँ पे बैठना कैसे है, बीच में क्या डालता हूँ, एक सॉल्ट आता है, शायद किसी और वीडियो में जब परचेज करने गए थे तब मैंने आपको दिखाया था। तो वो सॉल्ट पानी में डालो और अच्छे से घोलो और शांति से 15-20 मिनट बीच में बैठ जाओ, तो बेटर मसल रिकवरी के लिए, सोरनेस ना हो। जैसे कि कोल्ड शावर करते हैं लोग, कोल्ड बाथ वो बर्फ़ वाली आइस बाथ, तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। तो जो आपकी ये हॉट बाथ है तो इसे प्रेफर करें कि रात को सोने से पहले। इस करने के बाद बॉडी इस तरह से होती है कि जैसे आप बेहोश होने वाले हैं, तो वैसा है। तो अभी अंदर टब में पानी खोलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे। तो ज़रा पहले पानी खोलेंगे। ये भाई साहब अपना एप्सन सॉल्ट, आवाज़ गूंज रही है, बात सुनना, बाहर आके दिखाते हैं। तो ये है डॉक्टर ब्रांड का, छोड़िए आपको इस पे गौर देना है, एप्सन सॉल्ट। इंडिया में भी आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी आती है। जैसे कि आपको विटामिन सी वाला देखने को मिल रहा है, तो अभी मुझे माइंड में इतनी याद नहीं आ रही, बट आती है वैरायटी वहाँ पे अलग अलग प्लांट्स की, कौन कुछ, हाँ डीप स्लीप के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, तो काफ़ी सारी वैरायटी रहती है। तो मैं भी किसी और ब्रांड का आपको मिले तो, बट मुझे लगता है इस ब्रांड का भी मिल जाएगा,
जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बट वो ना मिले तो ये जस्ट आपको ये सर्च करना है एप्सम सॉल्ट, एप्सम नहीं है भाई, एप्सम, एप्सम सॉल्ट। तो बेसिकली जस्ट नमक ही है, क्योंकि पीछे से आप देखेंगे तो ये रहा, तो फ्रंट में वैसे लिख रखा होगा, सारी डिटेल है, गौर से पढ़ लें ज़रा। तो ये नीचे वैसे फ्रेंच में लिखा है, आप ऊपर का पढ़ें और मज़े उठाएं। तो टब हमारा भरने वाला, तो हम भरते हैं उसमें, अपना सॉल्ट डालते हैं। चलो भाई ये भी ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ अपना जुगाड़मेंट रेडी हो चुका है, तो जाके अब जस्ट लेटेंगे आराम से 15 से 20 मिनट और आराम फरमाएंगे। तो खैर, आई होप आप लोगों की आज की वीडियो पसंद आई हो। तो अपनी कोशिश यही है कमिंग वीक्स में और बेहतर करते जाएं, और आप लोगों को वीडियो दिखाने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डिलीवर करने की ट्राई करेंगे। दैट्स इट। तो टारगेट हमारा आपको जैसे कि बोला था, लिफ्ट थोड़ी ऊपर होनी चाहिए पहले से, टारगेट जो अपना है, तो कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से। बाकी चेहरा सुबह थोड़ा अलग दिखता है और शाम को अलग दिखता है, मीन्स सुबह जैसे सूरज चहकता है, महकता है, या क्या कहते हैं उसे, सूरज चमचमाता है, तो शाम तक होते होते डिम 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 हो जाता है। तो इस समय हालत ऐसी है, एनर्जी बिल्कुल लो है, तो जाके अभी फिर आराम फरमाएंगे उसमें, तो उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी ब्लेसिंग्स, या कहते हैं ना उसे, थोड़ा मोटिवेट करें। आप लोगों के कमेंट काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।